आर एस पाहवा जी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। पाहवा जी नमस्कार, सवाल बताइए अपना सर। सर मेरे दो स्टॉक के बारे में जानना था। एक मैंने पेटीएम लिया हुआ है, 30 शेयर है मेरे पास, एवरेज 716 का आ रहा है, तो इसमें क्या करना चाहिए मुझे। और दूसरा सर, कैंपस मुझे आईपीओ अलॉट हुआ था 292 से, तो ये 600 तक गया है, इस समय फिर डाउन है, तो इन दोनों स्टॉक में मुझे क्या करना चाहिए, रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए। गाबा सर पेटीएम, हाँ जी, 716 की एवरेज कॉस्ट है इनकी, और कंपनी ने अभी बायबैक भी ऐलान किया है, खबर के तौर पर बता रहा हूँ, 850 के आसपास का प्राइस देंगे वो, लेकिन ये ओपन मार्केट से है, टेंडर रूट से नहीं है। 535 का इस समय भाव चल रहा है, 716 तक जाएगा क्या ये? पता नहीं, लेकिन अच्छा होता अगर वो टेंडर के जरिए लेते, तब लगता कॉन्फिडेंस होता। मेरे ख्याल से जब भी इनके कॉस्ट के आसपास जाता है, मौका मिले वहां पर निकल जाना चाहिए। इसका चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, और जब तक ये 800 दिल से पार नहीं करता तब तक ऊपर नहीं जाएगा। इनकी ऑफर ऑफर भी एनीवे, मुझे लगता है कि अपमू की कॉस्ट मिलेगा, कॉस्ट के आसपास इनको मौका मिले तो निकल जाना चाहिए पेटीएम से, क्योंकि बहुत ही सेलिंग मिलेगी। इसके जो अपमू मिलेगा बहुत डिफिकल्ट क्लाइम है, बहुत डिफिकल्ट टायरिंग क्लाइम है, तो कॉस्ट के आसपास निकल जाता है, निकल जाएगा। और कैंपस कैंपस 292 पे लिया था, 600 तक गया, लेकिन अब नीचे आ गया है थोड़ा सा। कैंपस अभी 435 पे ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से होल्ड कीजिए। इनकी कॉस्ट से ऊपर है इनका ना 212, हाँ कॉस्ट से तो काफी ऊपर है, तो मेरे ख्याल से जो चार्ट स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से लगता है ये जो अपू देखा है हमने वो रिएक्टिव अपू है, ऊपर तो गया है नीचे आने के लिए, फिर एक डाउन मूव शुरू हुआ है। मैं होता इस समय मैं प्रॉफिट बुक कर लेता। देखिए समझदारी होती भी इसी में है पावा जी, आप जहाँ प्रॉफिट बने ना उसको थोड़ा थोड़ा लेते रहना चाहिए। और जो पेटीएम वाला है उसमें देखिए मतलब बहुत डाइवर्स व्यू है, लेकिन आपके भाव से भी ऊपर बहुत जाना, तब आप ब्रेक इवन करेंगे, फिर उसके बाद आप फायदा कमाने के लिए रुकेंगे, गॉड नोज कि कितना समय लगेगा इसमें। तो जैसे गाबा जी कह रहे हैं ना कि अगर थोड़ा आपके भाव के आसपास ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे तो फिर आप इसमें से निकल जाइएगा, क्योंकि अंतिम उद्देश्य तो प्रॉफिट बनाना है ना, ब्रेक इवन करके समय खराब करने का तो है नहीं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मनी तो है ना आपके, अगर वही पैसा आप बैंक एफडी करेंगे तो कम से कम 5% ब्याज मिलेगा आपको नेट ऑफ टैक्स, तो अगर उतना भी नहीं मिल रहा और खाली आप 3 साल इसलिए हैं कि ब्रेक इवन हो जाए, तो बेटर है कि आप उसमें थोड़ा बहुत लॉस बुक करके निकल जाए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।